आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ क्वेश्चन गिवन है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली विच सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन पी एंड वन ओवर थ्री प्लस क्यू एंड वन ओवर थ्री इक्वल टू सेवन एंड टू ओवर थ्री गिवन हमें क्वेश्चन है कि पी और क्यू के वैल्यूज हमें फाइंड करने हैं जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हों चार ऑप्शन हमें गिवन है हम वन बाय वन हर ऑप्शन को पुट कर कर देखेंगे हमारी इक्वेशन में कौन सा पी एंड क्यू का वैल्यू सेटिस्फाई करता है अब हमें मिक्सड फ्रैक्शन जब गिवन है तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे जब सिंपल फ्रैक्शन हम इसलिए कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हमें कंपैरिजन करना है तो कंपैरिजन इजीली हो सके प्रॉपर हो सके इसलिए हम कन्वर्ट करेंगे सो so, फार्मूला पहले हम देख लेते हैं क्या यूज़ करेंगे हम सो फार्मूला फॉर कन्वर्जन हमारा क्या होगा लेट से कोई मिक्स फ्रैक्शन है ए एंड बी ओवर सी तो उसका सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्जन क्या होगा डिनोमिनेटर एज इट इज़ होगा सी एंड ए एंड सी मल्टीप्लीकेशन में होंगे डिनोमिनेटर में और उसमें ऐड हो जाएगा बी ये हमारा कन्वर्जन होगा ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे सो पहले हम राइट हैंड साइड देख लेते हैं हमारे राइट हैंड साइड को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और उसे कंपेयर करेंगे हमारे लेफ्ट हैंड साइड को फॉर ऑल ऑप्शन ए बी सी डी तो हमारा राइट हैंड साइड हो जाएगा राइट हैंड साइड है सेवन एंड टू ओवर थ्री तो यहाँ पर डिनोमिनेटर एज इट इज सी जो है डिनोमिनेटर थ्री वो एज इट इज आएगा ए एंड सी मल्टीप्लाई होंगे ए एंड सी मतलब सेवन इंटू थ्री होगा एंड उसमें ऐड हो जाएगा टू बी जो है टू है तो ये ऐड हो जाएगा हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा टू सेवन इंटू थ्री ट्वेंटी वन प्लस टू ट्वेंटी थ्री डिवाइडेड बाई थ्री ये हमारा राइट हैंड साइड का वैल्यू है और हमें लेफ्ट हैंड साइड के वैल्यूज को इक्वेट करके देखना है कि क्या ट्वेंटी थ्री बाई थ्री हमारे वैल्यूज बन रहे हैं क्या जिस ऑप्शन के लिए ट्वेंटी थ्री बाई थ्री हमारा लेफ्ट हैंड साइड होगा वही हमारा आंसर होगा सो वन बाय वन हम देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या होगा फॉर ए ऑप्शन ए के लिए क्या हम देख सकते हैं पी एंड वन ओवर थ्री है तो पी एंड वन ओवर थ्री पी का वैल्यू फोर कॉमा एट सो पी का वैल्यू फोर एंड क्यू क्यू का वैल्यू एट जो है वो पुट करेंगे तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगा हमारा लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगा फोर एंड वन ओवर थ्री प्लस क्यू की जगह एट पुट करेंगे एट एंड वन ओवर थ्री अब वैल्यूज इक् वैलेंट क्या होंगे सो so हम देख लेते हैं हमारा फर्स्ट मिक्स फ्रैक्शन जो है उसका डिनोमिनेटर थ्री ही रहेगा और फोर इंटू थ्री ए इंटू सी प्लस बी होता है तो प्लस वन ये हमारा सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्जन होगा फॉर फोर एंड वन ओवर थ्री सिमिलरली हम एट एंड वन ओवर थ्री के लिए करेंगे डिनोमिनेटर में थ्री एट इंटू थ्री प्लस वन सिमिलरली हमने सेकेंड uh, फ्रैक्शन के लिए क्या ये इक्वल हो जाएगा ट्वेल्व प्लस वन यानि थर्टीन डिवाइडेड बाई थ्री प्लस ये हो जाएगा ट्वेंटी फोर प्लस वन यानी ट्वेंटी फाइव बाई थ्री ये इक्वल है हमारा ये हमारा वैल्यू इक्वल हो जाएगा डिनोमिनेटर में हमारे पास में थ्री हो जाएगा और न्यूमरेटर में एडिशन एज इट इज़ हो जाएगा थर्टीन एंड ट्वेंटी फाइव का तो ए का जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल आ गया है थर्टी एट ओवर थ्री जो इक्वल नहीं है हमारे राइट हैंड साइड के सो तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है फॉर ए वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आया सो ऑप्शन ए इज़ नॉट करेक्ट बी ऑप्शन है उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं बी ऑप्शन हमारा है टू एंड थ्री सो पी की जगह टू एंड क्यू की जगह थ्री हम ये पुट करेंगे सो टू एंड वन ओवर थ्री प्लस थ्री एंड वन ओवर थ्री ये इक्वल हो जाएगा सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ज कन्वर्ट करेंगे सो so, कन्वर्जन क्या होगा डिनोमिनेटर में थ्री फिर टू मल्टीप्लाइड बाय थ्री प्लस वन फॉर फर्स्ट मिक्स फ्रैक्शन सेकेंड के लिए डिनोमिनेटर में थ्री थ्री मल्टीप्लाइड बाई थ्री में प्लस वन ये इक्वल हो जाएगा थ्री इंटू टू सिक्स प्लस वन सेवन बाई थ्री प्लस ये होगा थ्री इंटू थ्री नाइन प्लस वन टेन बाय थ्री ये इक्वल होगा टेन प्लस थ्री सेवनटीन बाय थ्री के ये इक्वल नहीं है आर एच एस के अगेन हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो बी का है वो इक्वल नहीं है तो बी इज़ नॉट करेक्ट आंसर सी हमें चेक करना है सी हमारा है थ्री एंड फोर सो पी की जगह थ्री सी की जगह फोर सो पी की जगह हम थ्री रखेंगे थ्री एंड वन ओवर थ्री प्लस पी की जगह क्यों की जगह फोर एंड वन ओवर थ्री ये इक्वल हो जाएगा डिनोमिनेटर में थ्री आएगा डिनोमिनेटर में थ्री इंटू थ्री प्लस वन प्लस डिनोमिनेटर में थ्री न्यूमरेटर रिटर्न फोर इंटू थ्री प्लस वन ये इक्वल हो जाएगा थ्री इंटू थ्री नाइन प्लस वन टेन ओवर थ्री ये प्लस हो जाएगा फोर इंटू थ्री ट्वेल्व फोर इंटू थ्री ट्वेल्व प्लस वन थर्टीन ओवर थ्री ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास टेन प्लस थर्टीन टेन प्लस थर्टीन क्या होगा ट्वेंटी थ्री ओवर थ्री अब ये हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है फॉर ऑप्शन सी ये इक्वल आ गया ट्वेंटी थ्री ओवर थ्री और जो क्वेश्चन में हमारा राइट हैंड साइड था वो भी ट्वेंटी थ्री ओवर थ्री है हमने कैलकुलेट किया था Hence, हमारे पास क्या बना है एल एच एस फॉर सी इज इक्वल टू आर एच एस हमारा जो करेक्ट आंसर है जो वो है ऑप्शन नंबर सी सी इज द करेक्ट आंसर तो हमारे पास जो हमें सेटिस्फाई करवाने थे पी एंड क्यू के वैल्यूज वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं थ्री एंड फोर सो सी इज द करेक्ट आंसर थैंक यू क्लास सिक्स से लेके नीट आई आई टी चाहिए मीन और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ पर